फाइनली गाइस देख सकते हैं यही जो रास्ता है, ये रास्ता यहाँ पे घूमती हम पहुँच गए हैं आरती के घर पे। और हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं यही घर है, ये जो घर है यही है छोटू और आरती का घर। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को छोटू और आरती का जो घर जाने का रास्ता है कैसे जाना है और कहाँ पे सबसे पहले आना है, किधर से भी आप आएंगे, जिधर जहाँ से भी आएंगे कैसे उनके घर तक पहुँचना है आरती छोटू के घर पे। तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहले आपको आना है रानीगंज। रानीगंज आइएगा, उसके बाद रहरिया एक गांव पड़ता है वहीं जाना है। और आप सभी को बता दें एक और पीछे में रहरिया है वहाँ नहीं जाना है, रानीगंज रहरिया आना है। तो रानीगंज से ठीक 5 किलोमीटर बाद, 4 से 5 किलोमीटर बाद रहरिया गांव पड़ता है, वहीं पे जाना है। तो आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आप सभी को हम लेके चलते हैं उनके घर पे। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए उनके घर पे का रास्ता आप सभी को दिखाते हैं, इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं जो चाय पी रहे हैं, यहाँ पे एक भैया का टी स्टॉल है और हम और सुनील और उधर देख सकते हैं अभय जी है, तो वही पेमेंट कटा रहे हैं अभी। अभय जी भी चाय अभी पियेंगे, अभी हम लोग तीनों चाय पी के निकलेंगे उनके घर पे। तो इस वीडियो पे इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों अभी रास्ते में एक भैया मिले हैं चाय का दुकान पे, हम लोग चाय पी रहे थे। तो भैया यदि कोई लोग दूर दूर से आते हैं छोटू और आरती के घर पे जाने के लिए, तो उनको रास्ता किसी को पता नहीं रहता, तो उनको था रास्ता की जानकारी दीजिए। सबसे पहले रानीगंज जाना है, उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कितना दूर है ये बताइए। यहाँ से आप लोग अभी लालजी स्कूल के पास है, यहाँ से आपको जाना है भरगामा मोड़। भरगामा मोड़, भरगामा मोड़ से सीधा आपको पश्चिम 5 किलोमीटर पड़ता है रहरिया। रहरिया आप लोग को तो पता ही होगा, उनका शादी भी हो गया। हाँ शादी हो गया। तो आप लोग सहमत है कि नहीं, ये शादी से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, ये आप लोग के विरुद्ध है ये बताइए थोड़ा। देखिए लड़का, एक लड़का का लाइफ ऐसा है कि वो अकेलापन बिता सकता है, लड़की का लाइफ था अपना सेटल कर लिया है। मगर इस पर जो है सब सवाल उठा रहा है कि इतना जल्दी शादी नहीं करना चाहिए उसको, ये पर सवाल उठ रहा है। बस शादी तो होना ही चाहिए, आज हो चाहे कल हो, शादी तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की अकेले नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो चलिए सहारा चाहिए। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं उनके घर पे और आप सभी को दिखाते हैं उनका घर भी और उनका घर जाने का रास्ता भी, बने रहिए। फाइनली गाइस देख सकते हैं यही जो रास्ता है, ये रास्ता यहाँ पे घूमती आप लोग देख रहे होंगे, बस इसी के जस्ट साइड वाला रास्ता जो है यहीं से जाता है उनका घर, बस सामने ही है रोड के बगल में। और ये मेन रोड है और इधर देख सकते हैं इधर का कुछ नज़ारा, इस तरह से यहाँ का लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट रोड के जो अपोजिट साइड इधर देख सकते हैं वहाँ पे भैया लोग खड़े हैं न्यूज़ वाले, बस वहाँ ही है। तो चलिए आप सभी को अंदर लेके चलते हैं और वीडियो पे बने रहिए।
तो दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं आरती के घर पे, और हमारे पीछे जो घर देख रहे हैं यही घर है। आप सभी को दिखाते हैं बैक कैमरे से, देख सकते हैं ये जो घर है यही है छोटू और आरती का घर। तो चलिए अंदर चलते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं मीडिया भाई लोग भी हैं वहाँ पे बैठे हुए, और छोटू के पापा जी भी हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और मिलते हैं। कोई गलत काम करेगा तो रलैया जरूर होगी। ओ भाई साहब, तो गाइस अभी हम भाई लोग से मिला रहे हैं, ये अभय भाई हैं। चलो, और इनका भी चैनल है, बताइए चैनल का नाम। हाँ, मेरे चैनल का नाम है अभय कुमार मिश्रा, जाइए उस पर वॉच कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है, और ये शिवम जी है इनके चैनल पे तो आप लोग हैं ही, इनका भी लगातार वॉच कीजिए, और मेरे भी चैनल पे जो भी वीडियोस आ रहा है सबको रेगुलरली वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। और ये मेरा दोस्त सुनील, ये मेरे साथ हमेशा रहता है, काफ़ी मदद करता है हमें। तो गाइज अभी हो गया है शाम का 6 बज गया है, और अभी हम लोग को निकलना है घर के लिए, 80-90 किलोमीटर तय करना है। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया और लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सबों से और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।